इतना ज्यादा कूल लग रहा है ना ये देखो एक बार ही भाई क्या ही मस्त लग रहा है ना गया सभी लोग में और आज हम लोग जाने वाले हैं वापस से अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज मैंने कुछ खतरनाक है भाई आज हम लोग करने वाले हर एक मॉप को जो कि पूरे गेम के अंदर है जो सिक्सटी सिक्स है फिर और बढ़ गए वैसे क्योंकि सीधी सी बात है यार अपना ये सब आगे ना वार्डन वार्डन भी आ चुके तो भाई ये सारे मॉब्स को हम लोग पकड़ने वाले हैं आपने सर्वाइवल वर्ल्ड किया था तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर, कर देना हंड्रेड के लाइक का गोल लगा रहा हूं और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब सेम दोस्तों जल्दी जल्दी करो यार तीन मिलियन सब्सक्राइबर दिखाओ भाई को और चलते हैं हैं वीडियो की तरफ को यार हम लोग आ चुके अपने के के सर्वाइवल सीरीज के अंदर और भाई आज हम लोगों को जो काम करना है ना वो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों को कम से कम नहीं तो छह सात घंटे लगातार अगर हम लगेंगे ना तब जाके शायद हो जाए शायद पक्का नहीं है शायद हो जाए तब जाके तो अभी हम लोगों को यार उस चीज के ऊपर ही काम करना है हम लोगों ने फाइनली यार अपनी स्वर्ड कंप्लीट कर दिया अगर तुम लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड के अंदर तो हम लोगों ने भाई जो ही बनी है ना बस एक चीज की दिक्कत है ठीक है जब भी तुम यहां से टेलीपोर्ट करते देखो ये तुम्हें कहा लेके जाती है सबसे ऊपर वाले पे ठीक है अपने पास तो लाइटर है कह रहे हम ऐसे तैर के आ सकते हैं बट ये तुम्हें सबसे ऊपर वाले के ऊपर ले जाती है मतलब कहने के बोलो वहां से फिर तुम्हें नीचे आना था कोई ऐसे बड़ी चीज नहीं है बड़ी इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है देख लो ये फॉग इफेक्ट और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मेरे को इतना ज्यादा पसंद आ गया नहीं फॉग इफेक्ट आज हम लोग इसको दोबारा यूज करने वाले हैं भाई तुम लोग देखना मेरे पास जो आइडिया है ना भाई खाली एंट्रेंस का जहां पर हम लोग लाइक जहां से हम लोग जाएंगे उस जगह पे पे हम सारे के सारे ओ ओके नॉट बैड भाई ये भी बढ़िया चीज है ये भी सही है चलो अभी के लिए तो हम लोग क्या करने वाले देखो मैं बताता हूं हम लोग ना मैं सोच रहा हूं कि यहां पर हम लोग एक पहले सर्कल बनाते हैं ठीक है मस्त सा उसके अंदर हम लोग जाने का बनाएंगे और उसके बाद नीचे अंडरग्राउंड होगा क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा भाई माइनक्राफ्ट के अंदर एज ऑफ नाउ वन में सेवेंटी थ्री मॉब्स है सेवेंटी थ्री मॉब्स तुम समझ रहे हो तो सेवेंटी थ्री मॉब्स के लिए हम लोगों को यार अलग अलग एरिया बनाना पड़ेगा अगर हम लोग ऊपर रखते हैं तो बहुत गंदा सा हो जाएगा लाइक एक लंबा सा हॉल हो जाएगा वो सब तो ये अगर हम अंडरग्राउंड करेंगे तो वो एकदम ऐसा समझ रहे हो सिक्रेटी वैसे लगेगा हां मुश्किल बहुत होगा क्योंकि सीधी सी बात है हमें हर एक मॉब को यहां से नीचे ले जाना पड़ेगा फिर वहां तो मुश्किल पड़ेगा पर काम बन जाएगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेगा अकॉर्डिंग टू मी तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग करेंगे रुको जरा मेरे को थोड़े बहुत ब्लॉक्स लेके आने पड़ेंगे अरे नीचे ही चले जाते ना यहीं से मिल जाएंगे ब्लॉक्स तो हमें देर uh, वी गो ठीक है तो थोड़े से ब्लॉक्स को लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहले आउटलाइन बनाते हैं कि हम लोगों को कैसा चाहिए होगा तो मैं दो मिनट दो पहले मैं सर्कल का आउटलाइन बनाता तो. हूँ तो गाइस यार देखो हम लोगों ने सर्कल जो है वो कंप्लीट कर दिया एकदम भाई पहली बारी में बना दिया मैं मजाक नहीं कर रहा जब जो हमने लास्ट बनाया था ना उसकी वजह से मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा समझ लो सर्कल प्रो प्रो बन गया हूँ मैं सर्कल प्रो ठीक है तो मैं सर्कल बना पा रहा हूँ अब बहुत खुशी की बात है ये ठीक है तो अभी हम लोग क्या करने वाले हम लोग यहीं पर पूरा का पूरा बनाएंगे लास्ट टाइम हम लोग ने ग्रीन यूज करा था इस बार हम लोग थोड़ा सा कलर अलग, कलर लाइक अलग करेंगे ठीक है तो मेरे को दो मिनट दो पहले मैं क्या करता हूं न? इसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा जितना नीचे तक का हम लोग को बनाना है उतना खोदता है मोस्ट ऑफली हम लोग आठ लेयर लगाने ले लगते तो हम लोग सोलर ब्लॉक नीचे जाएंगे ठीक है तो यहाँ से हम लोग एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह हम लोग इतने ब्लॉक नीचे जाने वाले हैं ठीक है तो अभी के लिए तो रुको जो रहा। गो। अरे यार वह... बहुत बा, भाई यार मेरे को पता है मेरे पास लाइटर है लेकिन मैंने सच्ची बता रहा हूँ मैंने ना अपने रॉकेट सेव करने के लिए वो करा और उसके बाद मैंने रॉकेट ही खर्च कर दिए इतना ज्यादा दिमाग सिर्फ एक ही बंदे के अंदर है वो मैं हूँ जी हाँ दोस्तों तो गाइज यार देखो फाइनली हम लोगों ने इसको पूरा नीचे तक का खोद दिया है और थोड़ा सा ज्यादा ही खोद दिया एक्चुअली ये तो भाई ये तो हद्दी कर रखे मैंने लेकिन ठीक है अभी के लिए हम लोगों ने इसको देखो खोद दिया नीचे तक का राइटर भी थोड़ा आराम से इस्तेमाल करनी पड़ती है ठीक है तो आई होप ये करेक्ट मैंने खोदा हो सोलर ब्लॉक नीचे ज्यादा कम कुछ ना हुआ हो लेकिन हाँ अभी के लिए हम लोगों ने इसको खोद के पूरा का पूरा बराबर कर दिया अब हम लोगों को क्या करना है देखो हम लोगों को इसमें लेयरिंग तो करनी है बट उससे पहले हम लोग को एक लैंड करने वाली जगह बनानी है और उसके बाद वहां पर नीचे लाइक एक हब जैसा बनाना जहां से हम लोग मैं सोच रहा हूं कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में लाइक ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर सारे हॉस्टाइल मॉब होंगे खतरनाक वाले फिर उसमें ऐसे कर सकते हैं कि आ, एंड वाला तो खैर खाली शुलकर ही होता है और एक एंडरमैन होता है खैर एंडरमैन तो यहाँ भी ओवरवर्ल्ड में एक ओवर एक साइड ओवरवर्ल्ड वाले सारे मॉब रहेंगे एक साइड सारे के सारे नेदर वाले मॉब रहेंगे एक साइड सारे हॉस्टाइल मॉब जैसे रहेंगे और एक साइड सारे के सारे लाइक जो फ्रेंडली मॉब्स होते हैं जैसे विलेजर ये सारे मॉब रहेंगे तो मैं ऐसे करके कुछ सोच रहा हूँ कि हम ऐसा करके कर सकते हैं बट अभी के लिए तो देखो क्या करना है ना ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है सबसे पहली चीज हम लोग करेंगे जो कि होगी हमारी इसको नीचे से जाके हमें थोड़ा बहुत फोड़ना पड़ेगा और उसके बाद एक हब जैसा बनाना पड़ेगा जिसके लिए ढेर सारे टी तो मेरे तो दो मिनट दो बस आई होप यहां पर थोड़ा बहुत गन पाउडर वन मुझे ए के खड़ा होना पड़ेगा जिससे जो काम हमें करना है वो और भाई ये तो कुछ भी नहीं है मजाक नहीं कर रहा पता है ये ये काम अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये काम है ना तो भाई ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है असली काम तो अभी शुरू होगा जस्ट थोड़ी देर बाद जब हम लोग ये पूरा का पूरा कर लेंगे उसके बाद समझ लो जब हम लोग को एक्चुअल मॉब्स लेके आने पड़ेंगे फिर आएगा मजा तुम लोग देखते रहो बस भाई देख लेते हैं एक बारी भाई मैं कम, कम ही से कम आधे घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पर रुको जरा चेक कर लेते हैं ओके नाइस 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 भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ये इतना सही बनाया था ना और किसी दिन मैं भाई बैठ गया ना तो मैं इसमें दो तीन और लेयर ऐड करूंगा तुम लोग देखो बस ठीक है मैं इसमें एक दिन दो तीन लेयर ऐसी ऐड करूंगा ना तुम लोग देखते रहो भाई ठीक है अभी के लिए तो हम लोग चलते हैं फटाफट से अरे एक मिनट यार हम लोग को सैंड भी तो चाहिए होगा बट यार मैंने किसी तो चेस्ट में ये रहा थोड़ा सैंड इसमें बट इतने से इससे अपना क्या ही होगा

मजाक नहीं कर रहा हूं कम से कम नहीं भी तो इतने सारे टी बजाने ना तुम लोग बस देखते जाओ हम लोग क्या करेंगे इसके बिल्कुल पहले तो सेंटर ढूंढते हैं ठीक है इसका सेंटर कहाँ पर होगा तो गाइज यार देखो ये चार ब्लॉक हो रहे हैं इसके बिल्कुल सेंटर मैंने थोड़ा सा मतलब ऐसे मैंने पांच वाला बनाना चाहिए था बट मैंने चार वाला बनाया ना तो इसका सेंटर ये चार ब्लॉक बन रहे तो अब हम लोगों को इसमें से बेसिकली एक ही ब्लॉक चाहिए होगा ना क्योंकि मैंने नहीं चाहता कि ऐसे बड़ा सा होल दिखे उसके बीच में जिसमें से तुम जा रहे हो वो बहुत ही मतलब मजा आएगा क्या उसमें मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसे बीच में से चार ब्लॉक का होल होगा वो कूल लगेगा हम्म थोड़ा सोचना पड़ेगा आई डोंट थिंक कि लगेगा तो इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक ही रखेंगे ठीक है तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले को रखते हैं ठीक है थीके? इस वाले को रखते हैं ये क्लोज टू थोड़ा तो आड़ा तेड़ा लगेगा बट ये फिर भी एटलीस्ट क्लोज रहेगा उस चीज़ के ठीक है तो हम लोगों को क्या करना है अब इससे नीचे को जाना है ठीक है जितना नीचे हम लोग जा सकते हैं जितना भी नहीं वैसे लेकिन थोड़ा बहुत तो नीचे जाएंगे एटलीस्ट भाई हम लोग ट्राई करते हैं कि वाई इलेवन ट्वेल्व पे जाते हैं थोड़े डायमंड भी मिल जाएंगे क्या पता है टी एन टी लगाते लगाते ठीक है तो हम लोग जितना नीचे जा सकते हैं तो नीचे जाते पहले आई थिंक इतना काफी रहेगा केस ना थोड़ा और नीचे जाते हैं बस डेर वी गो ठीक है अब यहां पर से हम लोग ऊपर जाते हुए पूरा इसको टीएनटी टी से भर देंगे बहुत खतरनाक धमाका होने वाला है तुम लोग देखो बस ज्यादा ना आ जाए टीएनटी मेरे को यही डर लग रहा है बस आई थिंक इतना काफी है अभी यहां पर लगा देते हैं आग और उड़ने के लिए तैयार भागो भाई मैं ऑलमोस्ट मर गया था अभी अभी मैं मर जाता भाई एक गलती की वजह से ओके लेट सी क्या हुआ आई थिंक सारे टीएन टी फट चुके हैं ओके बढ़िया भाई बढ़िया 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 ठीक है तो काफी सही हो गया है काफी सारे टीएन टी बज चुके हैं अब हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि यहां पर ना एक लाइक समझ रहे एक केव जैसी बनाने का ट्राई करेंगे ठीक है ताकि ये पूरी एक केव जैसी बन जाए तो फटाफट से हम लोग आड़े तेड़े में कहीं पर भी टी एन टी लगा के इसको बजाना स्टार्ट करते हैं मेरे को दो मिनट दो मैं फटाफट से ये पूरी केव जैसी बना के आता हूँ तो यार फाइनली तुम्हारे भाई ने टीएनटी बजा बजा के ना इस एरिया को एकदम खोल दिया और देख लो कितना तो कूल लग रहा है लाइक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है एकदम खतरनाक ऐसे डोम की शेप का है बट एकदम रैंडम है मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे बनाया हो कि ऐसे ऐसे लाइक ब्लॉक ब्लॉक वाला सिस्टम करके नहीं भाई ये एकदम रैंडम पूरा जैसा बना वैसी मैं फोर्थ गया हाँ थोड़ा बहुत मैंने ऐसे टीएन टी सही जगह पर लगाए जिससे वो सही सा लगे अब हम लोग क्या करने वाले हैं देखो हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक सीधी टनल बनाएंगे ठीक है इस टनल के जैसे सीधे में ऐसे लेफ्ट राइट देखते टाइम हम लोगों को मॉब्स ही मॉब्स मौपस दिखेंगे या फिर इस साइड मतलब कहीं पर तो बनाएंगे बट उससे पहले मेरे दिमाग में एक चीज आई भाई अगर हमें इतना खोदना ही है ना तो रुको जरा पहले ना बस पहले हम लोग बाहर चलते हैं अगर हम लोग को इतना ज्यादा खुदाई मचानी है तो भाई हम लोग अपना वो किन लेके आ रहे हैं ये क्या कहते हैं बीकन वीकन लेके आएंगे ना भाई उसमें स्पीड टू लगाएंगे मतलब माइनिंग फॉर वो स्पीड टू लगाएंगे और उसके बाद भाई देखो तुम लोग तो अभी के लिए हम लोग यहाँ से अपना वीकन उठा लेते हैं फटाफट और चलते हैं वहां वीकन लगा के एकदम स्ट्रेट टनल बनाने हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे वो चेंजेस कर लेंगे तो यार फाइनली हम लोगों ने भाई लगा दिया अपना बीकन और उसके बाद हम लोगों को टू भी मिल चुका है मैंने थोड़ा बहुत देखो सेंटर लेके खुदाई स्टार्ट कर दी है लेकिन फिर मेरे को याद आया कि एक मिनट हम लोग कितने सोच रहे हैं तो देखो टोटल तो गेम में वैसे सेवेंटी थ्री मॉब्स हैं बट उसमें सारे के सारे मॉब्स को लाना बहुत ज्यादा नामुमकिन मतलब नामुमकिन ही है कुछ मॉब्स को लाना तो एंड ड्रैगन हम ला नहीं सकते ठीक है ऐसे करके बहुत सारे मॉब्स होंगे जैसे शुलकर है एंड से तुम शुलकर को उठाकर ला सकते हो तो मर जाएगा तो ऐसे करके बहुत सारे मॉब्स जो कि इंपॉसिबल हो जाएंगे हम लोगों के लिए लाना तो मैंने क्या सोचा हुआ है देखो हम लोग करते हैं

ऐसे तीस, तीस बनाने पड़ेंगे के भाई फोर फोर, फोर थर्टी बीच में एक एक का गैप भी आएगा एक या दो ब्लॉक दो ब्लॉक मान के चलते है, तो दो ब्लॉक का गैप आएगा रुको मेरे को मैच करने दो भाई ये थोड़ा दिमाग घुमा रही है चीज मेरे ठीक है तो गाइज यार मैच करके मैं आ गया हम लोग को एक सौ अस्सी ब्लॉक खींचने पड़ेंगे ऐसे तब जाके हम लोग चार बाय चार के विद दो ऐसा ब्लॉक के बीच में डिफरेंस रख के हम लोग थर्टी इस साइड थर्टी लेफ्ट साइड थर्टी राइट साइड बना पाएंगे तो मेरे को दो मिनट दो पहले मैं एक सौ अस्सी ब्लॉक इधर से करेक्ट इधर से खोदना स्टार्ट करता हूं दो दो मिनट ऐसे दिख जाएगा तुम्हें तो खुदते हुए मेरे को लगेगा टाइम तो यार अभी के लिए मैंने खोद दिया है मैं सोच रहा था पहले पूरे 180 ब्लॉक्स ब्लॉक करते हैं बट बीच में लावा आ रहा है कहीं पे कुछ है तो मैंने एक चीज सोची है कि हम लोग अभी के लिए 180 ब्लॉक्स नहीं करते हैं अभी के लिए मैंने जितना खोद दिया उतना खोद देते हैं और उसके बाद पहले इसके एंट्रेंस थोड़ा सा बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आगे का काम करते हैं ठीक है तो मेरे को दो मिनट दो क्योंकि सीधी -सी बात है हम लोग इतने पतले एरिया में तो नहीं चलेंगे ना लेफ्ट राइट ऐसे ब्लॉक्स मतलब वो रहेंगे एटलीस्ट हम लोग तीन का एरिया तो लेके चलते हैं तो चलो फटाफट से इसको पूरा एंट्रेंस बना के मैं मिलता हूं तुम लोगों से दो मिनट के अंदर तो गाइज यार फाइनली मैंने पूरे का पूरा रास्ता तो बना दिया है ठीक है ये रास्ता लाइक like... ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये फाइनल है लाइक समझ रहे हो तुम लोग कि बस हो गया इससे ज्यादा नहीं बनेगा ये और खींचेगा बट फ्यूचर में जब हम लोग लाइक और मॉब्स लेके आएंगे तब में भी हम लोग इसको खींचेंगे अभी के लिए मैंने क्या कर दिया देखो यहां पर पहला हमारा जो फोर बाई फोर का मैंने तुम लोगों को बताया था एरिया वो मैंने कर दिया है ऐसी करके आप मेरे को जितने ज्यादा रूम्स अभी के लिए इसके अंदर आ रहे हैं ना उतने ज्यादा रूम्स बनाने पड़ेंगे ठीक है जैसे देखो ये हो गया अब इसको पूरा का पूरा अंदर तक ले जाऊंगा फिर यहां से दो छोड़ के दोबारा से सेम थिंग उसके बाद दोबारा से सेम थिंग हम लोग इसको फोर बाई फोर बनाएंगे फिर ऐसी दो छोड़ के ऐसी करेंगे और सेम थिंग अपोजिट भी ठीक है तो मेरे को दो मिनट दो बस मैं फटाफट -फड़ से इसको पूरा जितने ज्यादा रूम आते हैं यहां पे उतने ज्यादा रूम भर के आते हैं और बाकी एंट्रेंस में मैंने अभी इतना ही कराया क्योंकि मेरे को नीचे अभी थोड़ा मैं सोच रहा हूं स्टोन के ब्रिक्स लगाने की वो सब करने की तो जब वो जाएगा ना उसके बाद मैं सोचूंगा कि लाइक एंट्रेंस कैसे बनाए कुछ कूल बनाएंगे एंट्रेंस भी ऐसी वैसी नहीं बनाएंगे तो यार फाइनली तुम्हारे भाई ने, ने पूरे के पूरे खोद दिया लाइक अभी के लिए मैंने जितने गिने है ये ट्वेंटी एट रूम्स है ठीक है मेरे को पता था वैसे कायदे से हम लोग सिक्सटी सोच रहे थे बट अभी के लिए मैंने क्या किया ना मैंने इसको पूरा खोद दिया लाइक जैसे जैसे मेरे को चाहिए थे ना लेकिन फाइव इन है ताकि यहाँ पर कांच चाहे ना तो एटलीस्ट जो भी मॉब होगा गया उसके लिए फोर बाई फोर की तो जगह कम से कम हुई और बाकी कोई मॉब अगर बड़ा वाला आएगा तो मैं क्या करूँगा मैं बीच में से एक दीवार तोड़ दूंगा और उसको पूरा ही ऐसा बड़ा सा रूम दे देंगे ठीक है तो भाई चलो अब फटाफट से मैं ये पूरा का पूरा एरिया भर देता हूँ जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा हो सकता है स्टोन से रुको जरा अभी हम लोगों को वो थोड़ा चाहिए ना माइनिंग से हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग फटाफट से स्पीड ले लेते हैं ताकि हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम कर सके वी गो स्पीड टू वी गो चलो भाई फटाफट फड़ से इसको पूरा का पूरा भर देता गाइस मेरे को दो मिनट दो मैं मिलता तुम लोगों तो यार फाइनली हम लोगों ने पूरा का पूरा लाइक अभी के लिए जितना था दिखने का वो बना लिया है बाकी हम लोग ग्लास का थोड़ा बहुत पेन बनाते हैं अभी हम लोग क्या करने वाले देखो हम लोग यहां पर जो बीकन है मैं सोच रहा था बीकन को हटाते हैं अभी बीकन से रीजन देते हैं ताकि ना कुछ भी अगर उल्टा सीधा होता है तो हम थोड़ा बहुत बच सकते हैं वरना मैं सोच रहा हूँ बीकन को यहां से हटा के यहां पर इस छेद को बड़ा कर देते हैं अभी के लिए और सारे के सारे मॉपस को हम लोग अभी यहीं से लेके आएंगे फिर यहां से लेके आके इनको आराम से हम लोग कहीं भी जिस भी बॉक्स में फिट बैठेगा वाले बॉक्स में डाल देंगे तो मेरे को दो मिनट दो मैं पहले ये पूरा का पूरा बीकन हटाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एरिया बनाते हैं जहाँ से हम लोग सारे के सारे मॉप्स को ऊपर से ड्रॉप करेंगे भाई ये होगा टफ पार्ट मर मुरा ना ना जाए बस मॉप्स तो यार मैंने पूरा पूरा का बीकन हटा दिया और जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड मैंने यहां पर ना कम से कम फाइव बाईव का एक लाइक करके वहां पे पूरा का पूरा पानी डाल दिया ताकि ऊपर से कुछ भी गिरे तो लाइक मरे ना डायरेक्टली ठीक है तो अभी हम लोग क्या करने वाले देखो अभी हम लोग जाते हैं सीधे ऊपर ओ भाई भाई ट्राइडेंट तो क्या मजेदार चीज है भाई तो गाइस यार देखो मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा होल कर दिया है जिससे हम लोग अगर कुछ भी गिरता है तो हम लोग सीधे सीधे लाइक उसी में जाएगा आई गेस ठीक है तो जैसे अगर यहाँ से कुछ भी गिरा बट थोड़ा क्लोज कॉल था बट ठीक है उसी में जाएगा ठीक है क्योंकि ये भी करेक्ट फाइव बाई फाइव का होल मैंने कर दिया है जिससे नीचे जो भी जाएगा वो पानी से ही जाएगा होपफुली कुछ कूदे का देना वो अलग रहेगा फिर वो तो ड्रामा ही हो जाएगा ठीक है तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ देखो हम लोग चलते हैं ऊपर को मैं बताता हूँ तुम लोग को आगे का प्लान कैसे है देर वी गो ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग ना इसको ऐसे करके दिखा देते हैं कि हम लोग ये एक तरह से हमारा वो हो गया लाइक ब्रिज जैसा हो गया जहाँ से हम लोग आगे जाके मॉब्स को धक्का मार देंगे ठीक है तो चलो ओ फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है ठीक है वैसे तो हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग ना मेरे को दो मिनट दो यार रुको मैं इसको पूरा का पूरा ढक देता हूँ ताकि कुछ भी अंदर जाए तो वो डायरेक्टली लाइक अंदर ही जाए इधर उधर गिर ना जाए तो अपने पास दो लीड्स है हम लोग एक काम करते हैं सबसे पहले हम लोग दो मॉब्स ले जाते हैं जो हम लोग बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं जो कि एक ये और एक ये ठीक है, है तो हम लोग इसको खोल देंगे थोड़ी देर के लिए प्लीज आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ नहीं 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 पीछे पीछे अरे भाई यार भाग गए सारी, सारी भाग गई मेरी चलो कोई बात नहीं अभी के लिए कोई बात नहीं मैं इनको बाद में, में कलेक्शन है एक ओके okay, रुको ध्यान से ध्यान से ठीक है बहुत ध्यान से आ जाओ भाई चलो भाई चलो, भाई, चलो कूदो चलो गाय तो गई आई थिंक अगर मैं भी ऐसे करके कूद जाऊं तो तो गाई मेरे समझ में आ चुका है ठीक है कैसे होगा ये ये ऐसे नहीं काम करेगा ठीक है हम लोगों को कैसे करना पड़ेगा पहले इनको बिल्कुल एज पे लाना पड़ेगा ठीक है जैसे ले आए अब इसको छोड़ा अब इनको ऐसे धक्का मार के डालना पड़ेगा थीके? अंदर समझ रहे हो ये देखो ये भाई ऐसे करना है वो वैसे नहीं करना कि तुम अपने हाथ से क्योंकि अगर मैं खींचूंगा तो वो आड़े तेड़े जाएंगे ना आ जाए मेरे घोड़े चल फटाफट टिक 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 कर चल जल्दी आ ठीक है तो सबसे पहला हम लोग भाई तू बेटे तू हिस्ट्री बना रहे है तू हिस्ट्री बना रहा है हम लोग सारे मॉब्स कलेक्ट कर रहे हैं और तू पहला मॉब है और मैं ग्लास लाना भूल गया हूं अभी फटाफट फड़ से एक काम करते हैं हम लोग जितना भी ग्लास है वो सारा का सारा सामान लेके स्टार्ट करते हैं भाई अब डालते सारे के सारे इनको अंदर तो हम लोग वापस आ चुके हैं हमारा स्केलेटन हॉर्स कहीं भी नहीं भागा भाई बेस्ट होता है भाई स्केलेटन हॉर्स इतना सही बंदा है ना बाई गॉड मैं बता रहा हूँ यार बहुत सही बंदा है भाई तू तेरे को पता है तेरे को चल अच्छा तेरे को मैं डीलक्स रूम दे रहा हूँ सबसे पहला रूम तेरा है पता है तेरे को उसके बाद तेरे बाद है सारे के सारे नहीं 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 चढ़ के मत आना भाई बहुत मारूंगा एक्चुअली एक मिनट रुको हम लोग इस वाले को तोड़ सकते हैं क्योंकि एक से तो नहीं आ पाएगा ना ये हॉर्स है ठीक है बाकी हम लोग फटाफट -फड़ से एक काम करते हैं इसमें जाके हम लोग एक नेम टैग इसके नाम कर देते हैं इसका नाम रख देंगे हम लोग स्केलेटन हॉर्स वी गो ठीक है स्केलेटन हॉर्स हो गया अब इसको हम लोग बाकी का पूरा का पूरा ढक देते हैं और यस हम लोग अभी इसको क्या कहते हैं वो करने वाले हैं

देर लो अरे यार नहीं यार अरे यार, ओ, 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 मर लो ध्यान नहीं दिया ध्यान नहीं दिया मैंने लाइटरा मैंने लाइटरा भी हटा दे दिया बेवकूफ बनाना पड़ेगा भाई ऐसे नहीं चलेगा आजा आजा स्लाइमी ब्लाइमी आजा बेवकूफ अंदर भागो भागो बंद करो बंद करो यस हम्म दैट्स माय स्लाइम दैट इज माय स्लाइम देखो गाइस तुम्हारे भाई ने भाई मैं मजाक नहीं कर रहा मैं सोच रहा था भाई तूने तो दूर से स्लाइम बायोम से मैं स्लाइम लेके आनी पड़ेगी क्या ही होगा भाई और इसको देखो भाई मार रही है बदतमीज कहीं की एक तो मैं तुझे नया घर दिलाने की कोशिश कर रहा हूं तो तू मुझे मार रही है बदतमीज <laughs> <laughs> चलो अभी भाई स्लाइम का तो बहुत इजी है इसको हम पूरा का पूरा कमरा इसका स्लाइम से भर देंगे ठीक है और हो सकता नहीं वैसे पानी नहीं डाल सकते ना क्योंकि पानी फिर वो दिखेगा नहीं कि वो पानी लाइक वो वाला पानी है तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह नहीं कोशिश करूं तुम समझ रहे हो ठीक है तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं समझ रहे पर तुम समझ रहे हो अब फटाफट से एक काम करते हैं पहले मैं इसका बेस सजा दू पूरा का पूरा इसको हम लोग पूरा प्रॉपर ऐसे देर बी भाई बोन ब्लॉक की आवाज कितनी ज्यादा सुदिंग नहीं होती ऐसे एकदम टक 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 तो गाइज यार देखो हम लोगों ने पहला मॉब जो है उसका पूरा बायो बना दिया पूरा कितना कूल लग रहा है देख रहे हो सोचे तुम लोग यहाँ से आओगे ऐसे करके तो सबसे पहला तुम्हें यही दिखेगा देख रहे हो कितना कूल लग रहा है भाई मजाक भी नहीं कर रहा हूँ सच्ची में पता है ये बहुत ज्यादा मजेदार सा लग रहा है और प्लस थोड़ा बोन वोन कम पड़ गया बट ठीक है ना वो हम लोगों ने कर दिया ठीक है हम लोग दोबारा से बोन्स लेके आगे थे और एक मिनट मेरे को अंदर जाना पड़ेगा गैस यहां पर एक और लाइट लगाते हैं अच्छी नहीं लग रही है ऐसे लाइट है ना मे भी हम लोग लैंटर्न लगा सकते हैं बाद में बीच में देखते हैं मैं सोच रहा हूँ वॉल ले जाएंगे इसमें लाइक सोल वाले लैंटर्न एकदम कूल लगेगा ठीक है लेकिन वो बात की बात है अभी के लिए भाई स्केलेटन का हो गया अब हम लोगों को अगला जो है ना वो थोड़ा सा स्लाइम का सजाना पड़ेगा जो कि ये है मोहतरमा भाई बहुत अरे स... भाई अजीब गुस्से में रहती हो तुम तो मुझसे गाय यार अब चलो फटाफट से अगली मॉब लेके जाते जो कि होगी हमारी गाय आओ गैया आ जाओ आ जाओ ओके प्लीज प्लीज इस बारी कुछ नो ठीक है आओ 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 वीट कौन खाएगा वीट कौन खाएगा वीट भाई वीट आ जाओ वीट कौन खाएगा गाय खाएगी गाय खाएगी वीट चलो भाई चलो सीधे नीचे ठीक है ध्यान से थोड़ा ध्यान से उतरना मैडम गो भाई तुम तो बिल्कुल वो हो रही हो uh, क्या बोलते हो उसको एम एल जी आ जाओ <laughs> भाई गाय भी एम एल जी है मेरे सर्वाइवल में <laughs> <laughs> आ जाओ फटाफट आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ पर रहना है ठीक है चलो अभी तुम्हारा नया घर मैंने बना के रख दिया है यहाँ पे रहेंगे ठीक है चलो अंदर को देविक गो गो इसको बंद कर देते हैं मस्त पिकनिक करने का गौ माता मस्त पिकनिक ओके okay? चलो ये हो गया पूरा का पूरा इसको कर देते हैं हेवेल लगा देते हैं ठीक है ताकि गाय अपना खाती पीती रहे और बाकी जो सराउंडिंग है वो मैं भी सोच रहा हूँ कि सराउंडिंग में क्या कर सकते हैं लाइक यहाँ पर बगल बगल में क्या कर सकते हैं मैं सोच रहा हूँ या तो फिर हम लोग स्काई ब्लू कॉन्क्रीट बना के लेके आते हैं लाइट ब्लू और लाइट ब्लू कॉन्क्रीट लगाते हैं ताकि ऐसा लगे स्काई है जैसे कि ठीक है पूरा और यहाँ बाहर से तो मैं सोच रहा हूँ कि हेबेली लगा देते हैं पूरे में या फिर कुछ तो अलग सा करेंगे बट अभी के लिए गाय का आई थिंक इतना कम्पलीट हो चुका है और इसको तोड़ देते हैं बस और इसको अभी के लिए मैं बंद कर रहा हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो कोई मॉब वॉब वो, वो सब चीजें ना हो तो गाय यार मैंने काफी देर तक अपना दिमाग चलाया और फाइनली हम लोग ने बना दिया है ठीक है तो देखो कितना कूल लग रहा है ये एक तरह से गाय है ये बाहन है गाय का और ये पूरा का पूरा लाइक स्काई एक तरह से मैंने बना दिया तो ये मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मस्त लग रहा है बाकी स्प्रूस से मैंने बाहर से कर दिया तो ये भी हो गया अब हम लोग अगला मॉब लेके आते हैं मैं ट्राई करता हूँ पहले सारे फ्रेंडली मॉब्स लेके आ जाऊँ क्योंकि उनको लाना थोड़ा सा आसान होता है लाइक क्योंकि वह तुम्हें तो मारने की ट्राई नहीं कर रहे होते ना इसलिए ठीक है तो उनको लाना थोड़ा सा आसान होता है बाकी मेरे को शायद से अपना यप ये यूज करना पड़ेगा वी गो हेलो पिगी रुको आओ भाई अपना अगला मॉब होगा सुवर आ जाओ दोस्त ओके गाइज पिक टू द मून अरे कहाँ जा रहा है पिक रुक जा भाई इसको तो भागने की जल्दी हो रही है यार मैं तेरे को नई जगह लेके जा रहा हूँ तेरे को नीचे जाने की जगह पता नहीं कहाँ जाने की वो मेरे को लगा मर गया भाई दो मिनट के लिए मेरे को फील हुआ कि ये गया भाई खत्म बाय टाटा बाय बाय हो जाता है इसका भी अभी आ जा चल ठीक है तो इसको भी हम लोग बिल्कुल गाय वाले के बगल में ही रख देंगे ताकि थोड़ा सा यू नो ऐसा फ्रेंडली सा रहे ठीक है आ जा आ जा बस इस बार ही हम लोग वो नहीं रखेंगे ठीक है आ, मेरे पास आइडिया है कि हम लोग ना गाय वाले की तरह इसमें वो नहीं कर सकते लाइक वी ये नहीं रख सकते हम लोग आ, क्या बोलते हैं इसको आ, यार इसको हे बेल नहीं रख सकते इसमें क्योंकि सीधी सी बात है ये कैरेट खाता है तो मेरे पास एक आइडिया है ठीक है क्योंकि ये सीधी सी बात है कैरेट खाता है तो हम लोग पहले तो पूरी की पूरी जमीन को रुको जरा मेरे को दो सेकंड दो मैं इसको पूरा का पूरा बना के मिलता हूं कितना क्यूट लग रहा है अरे 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 इसको कैसे दिख रहा अरे? ग्लास के आर पार भाई मोहस को नहीं दिखता ना ग्लास के आर पार इसने भाई खुशबू सुंग ली क्या ये देखो ये मेरे को देख नहीं पा रहा मार नहीं पा रहा और इसको देखो इसको देखो कैरेट दिखा ये अरे अरे एक मिनट तो इसका मतलब क्या गाय भी देख लेती क्या अरे मतलब हॉस्टाइल मॉब नहीं देख पाते ये देख लेते हैं ये भी सही है यार यार तो मेरे को कोई दिखा है ठीक है मेरे को एक बंदा दिखा है भाई जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अगर इसे पकड़ना है तो हम लोग को जल्दी से एक बोट बनानी पड़ेगी फिर भी कहो भाई ये देख लो ड्रीम अरे यार बोलने डालता है ड्रीम का बोट क्लच हो रहा है भी <laughs> <वे> <laughs> रुको जरा देख रहे हो तुम तो लोग वाह अब इसको कैसे बैठाऊ रुको जरा इसको बोट में बैठाना है अरे बहुत ही बढ़िया बहुत ही उम्दा। चलो बेटे आ जाओ चलो बेटे चलो बेटे गाइस अगला भाई हम लोग लिटरली हार्ड हार्ड वाले पहले कर ले रहे हैं ऐसी फील आ रही है मेरे को अब इसको इस वाली बोट से उतार कर मेरे को अगली बोट में बैठाना पड़ेगा ठीक है तो ओ नो यार ये तो पानी में आ गया रुको जरा रुको 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 रुको, रुको। मेरे को शायद से ना ये करना पड़ेगा अब मेरे को इसको पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ तक का लेके जाना पड़ेगा ऐसे ही और इसको एक उसमें डाल देना है और उससे पहले रुको जरा ये जब तक का बोट में तब तक तो ये जिंदा है राइट मतलब गायब नहीं होगा बट उसके बाद तो ये गायब हो सकता है ना तो इसको हम लोग नाम दे देंगे एंडरमैनवा ठीक है वी गो और इसको मार देते हैं राइट क्लिक देरवी को एंडरमैनवा और इसको तोड़ के फटाफट -फड़ से चलो बेटे ले चले तुमको राइड पे ये गुड ठीक है अब यहाँ से बंद कर देते हैं पूरा का पूरा ये एरिया ऑफ कर देते हैं और इसको इस वाले से उतार के भाई ये बस टीपी ना मार जाए ठीक है अगर इसने टीपी मार दी ना भगवान कसम कह रहा हूँ मैं रो दूंगा भाई प्लीज ऊपर आ जाए प्लीज ऊपर आ जाए यस यस ये ले इधर रुक रुक अरे यार आजा प्लीज बोट में आजा अरे मेरे एंडरमैन मेरा दोस्त है ये किसका दोस्त है मेरा दोस्त ठीक है अब इसको फटाफट बड़ से आप बंद कर देते हैं भाई वैसे कायदे से एंडरमैन को बंद करने वाली बात तो है नहीं बट हम लोग इसको एटलीस्ट इस बोट में रख सकते हैं क्योंकि सीधी सी बात है गायब हो जाएगा अगर मैं ये बोट हटाऊंगा ना द सेकेंड आई रिमूव दिस बोट ही इज गॉन इसलिए हम क्या करने वाले हैं हम लोग अभी बोट को बाहर लगाते हैं पहले इसका रूम बना देते हैं ठीक है एंड्रो सर आपका रूम बन रहा है आप दो मिनट रुक जाइए बस सर दो मिनट में आपको रूम की, की दे रहा हूं जरा हमारा स्टाफ काम कर रहा है वहां तो गाइज यार फाइनली हम लोगों ने इसका भी काम कर दिया है भाई सबसे बेस्ट चीज क्या हुई है बताई है? ये ये कोरस फ्रूट भाई तुम लोगों ने मेरे को बता दिया था ना कि ये कैसे उगता लाइक सिल्टस से उसका टॉप का फ्लावर लेके आना होता है वो चीज तुम लोगों ने बता दी थी ना तब मेरे को आइडिया है कि भाई क्यों ना हम लोग एंट्रोमैन का एरिया जो है वो पूरा एंड जैसा बनाए और उसके साथ साथ हम लोग इसमें एक लाइक कोरस फ्रूट भी उगा देते ताकि थोड़ा सा कूल सा लगे देखो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है छोटा सा एंड बना हुआ है देखो अंदर भाई बात तो है भाई इसको गुस्सा नहीं दिलाना है बस लेट्स गो मस्त भाई हम लोगों को घोड़े दिख गए मैं तब से घोड़े ढूंढ रहा था भाई मैंने कहा ठीक है यार अगर घोड़ा दिख जाए सबसे इजी घोड़ा है मेरे ख्याल से ठीक है तुम्हें तो बाकी सारे मॉब्स को यार ले लेके आना पड़ता है चीजें दिखानी पड़ती है भाई घोड़े को तुम अगर टेम कर दो बस और उसके ऊपर एक सैडल डाल दो तुम घोड़े को खुद लेके आ सकते हो भाई इसका नाम हम लोग रखेंगे बादल बिल्कुल सही देखा कितना यूनिक नाम सोचा मैंने बस बादल को कुदा देते हैं और सीधे क्लच वाओ <laughs> बादल एम जी बहुत बढ़िया भाई घोड़ा मत बोलना बादल को ठीक है ना बम तो मे नहीं करो चलो ये हो गया पिक के जस्ट बगल वाले में बादल को भी डाल देते हैं ठीक है देर भी को यार एक तो इसने इतना हल्ला मचा के रखा हुआ है ना चुप हो जाए शांत हो जा थोड़ी तो गाईज यार फाइनली हम लोगों ने भाई हॉर्स का भी एरिया बना दिया है मैंने उस पर सैडल अभी के लिए रहने दिया मैं सोच रहा था कि हॉर्स से सैडल हटा के क्या ही करना है राइट किसी दिन हो सकता है कि हमें एकदम से जरूरत पड़े तो हम इतना एरिया तोड़ के इसी को भगा बाहर कैसे ले जाएंगे चलो छोड़ो ठीक है तो ये हॉर्स का एरिया भी कंप्लीट हो गया मैंने इसमें थोड़ा बादल टच भी दिया है तो भाई बताना कूल लग रहा है या नहीं लग रहा है बट अभी के लिए ये डर है ठीक है हॉर्स का भी अब हम लोग अगले मॉब की तरफ को बढ़ते हैं देखते हैं मैंने चिकन देखे थे कुछ तो देखते हैं अगर हम लोग हो सके तो दो या तीन चिकन इस बार ज्यादा चिकन लेके आने की ट्राई करेंगे ताकि समझ रहे हो ना तुम लोग जितने ज्यादा उतना बढ़ गया ना बस और कुछ नहीं तो कहा मेरा ध्यान क्या ये देखो देखो मैं सोच रहा था आराम से लेके आऊंगा भाई नदर से लाना बहुत मुश्किल होगा बट एक मिनट एक बहुत चीज़ पे अगर मैं इसको मार के अपने पीछे पीछे दौड़ाऊं तो फिर यार मर भी तो जाएगा ना मेरी थॉन्स वाली में और नहीं तो ये मार देगा मुझे इनको इनको ललचाने का भी तो कोई तरीका नहीं होता यार गोल्ड के पीछे भी तो नहीं आते हैं इनको कुछ नहीं चाहिए भाई हो जा रहे और मेरी किस्मत भाई चल 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 अरे आजा आजा आ ले फिर ले ले बस आ जाओ मारो मुझे आजा जा जा नीचे है दम नहीं आ रहा क्या आ जा यार रुको 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 रुक मेरे पास एक आईडिया है मेरे पास एक आईडिया है मेरे है। को बस थोड़े से बस रुको रुको है वो इधर भी कोई एक तो जाएगा आ रहा दो दो चलेगा लड़का एक को मार देंगे भाई क्योंकि मेरे को नहीं पता कि क्या हो जाएगा ना और पैंट उतार देते फटाफट से क्योंकि उनको से डैमेज हो सकता है ना इसलिए अभी फटा फटा। <laughs> भाई यार। आजा ससुर की नती अजय मेरी ससुर की नती अजय बस बेड़े, बेड़े गई मौज हो गई तुम्हारी है बहुत है, बुड़े, है बुड़े, बुड़े बनते हो ना तुम लोग बेटा बहुत मारूंगा बहुत तो गाइस देखो मैंने ना पूरा का पूरा काम आए हाय काम खराब कर दिया है जरा फटाफट से जाके अगर रात हो रही होगी तो हम लोग कुछ जॉम्बी ओम्बी को ले के लेके आते हैं मैं तो बोल रहा हूँ भाई अब सीधे रुको एनविल इसमें हम लोग एक काम करते हैं एक जॉम्बी का नेम टैग और एक अपना वो क्या कहते क्रीपर का नेम टैग बस मैं क्या सोच रहा हूँ पता है एक और आइडिया है मेरे पास अब वो पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा बट हो सकता है कि काम कर जाए ठीक है जैसे ये रूम है ये रूम मस्त लग रहा है ठीक है ये ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि लाइक सजा हुआ है जबकि ये सजा तो नहीं है रुको जरा थोड़ा सजा ही देते तो गाइज देखो मैंने ना दो एरिया सजा दिए लाइक ये और ये ठीक है मैंने दो एरिया सजा दिए ऐसे कि ये एक केव जैसे लगे अब मेरे पास आइडिया जो है वो काम करेगा हंड्रेड परसेंट या नहीं वो नहीं पता बट मैं ट्राई जरूर करने वाला हूँ मैं क्या करने वाला ना मैं इसको पूरा का पूरा ऐसे बंद कर देता हूं ठीक है एक बार अंदर से देखते हैं इसको ठीक है मैं अगर इसको बंद कर दूं आई थिंक यहां पर ये यह देख रहे हो पूरा अंधेरा हो जाएगा और गारंटीड है कि इस अंधेरे में एक ना एक मॉब तो स्पॉन होगा ही और अगर वो स्पाइडर जॉम्बी या फिर स्केलेटन में से एक हुआ तो वो हमें बाहर से लेके नहीं आना पड़ेगा वो अंदर ही स्पॉन हो जाएगा सोचो so, कितना तो सही आइडिया है भाई ये अगर काम कर गया तो जितने में मैं दूसरे मॉब्स लेके आ रहा हूँ लाइक मेरे को चिकन लेके आना है अभी तो जितने में मैं दूसरे मॉब्स लेके आ रहा हूँ तब तो तक क्या पता लाइक मेरे को हंड्रेड परसेंट नहीं पता बट क्या पता उतने में, में दूसरा कोई मॉब आ जाए यार मैंने यहीं कहीं पे देखे थे थोड़े एक दो चिकन दिखे थे मेरे को ये रहा एक गो यार मेरी एक ना रोप खो गई वरना मैं बाइक आउट कर रहा दो तीन चिकन लेके जाता मैं यहाँ से आओ मेरी मुलगी शान इसका नाम है मुलगी शान ठीक है अब हम लोगों को बस इसको ऐसे लेके आना है और अरे ये तो मुर्गी है यार ये तो उड़ लेती है भाई इधर आ चल तेरे को किस बात का डर रहे नीचे चलो लीड तो आ गई भाई देख रहे हो इसको अपना उड़ उड़ के आ रही है मैं सोच रहा हूँ यार मुर्गी मर ना जाए ये देखो कैसा आ रही है वो वाह बेटे मौज कर दी रुको जरा फटाफट से हम लोग एक काम करते हैं एनविल पे एक नाम रख के इसको नाम दे देते हैं ठीक है ताकि कहीं भी ना जाए वैसे कायदे से मुर्गियां भी नहीं जाती हैं क्योंकि सीधी सी बात है ये एक Uh, वो है ना फार्म वाला प... यार यार बैट यार मैं बैट कैसे पकड़ू यार मेरा बैट पकड़ने का मन कर करा बट नामुमकिन है, ना है बैट। एक मिनट रुको मुर्गी यहीं पर रहना ठीक है कहीं जाएगी ना बहुत मारूंगा बैट को हम लोग कर सकते क्या प्लीज हो जा हम्म देख भी नहीं पा रहा हूँ इतनी तेते उड़ जा रहे हैं नहीं यार नहीं।, नहीं, नहीं हो रहा है कहीं हाँ देखो ना मैं उसकी तरफ को स्पैम कर रहा हूँ राइट क्लिक आई डोंट थिंक तुम बैट पे लीड कर सकते हो भाई काश यार बैट्स को करने का कोई तरीका होता लाइक कैप्चर करने का कैसे कर सकते कुछ खिला अरे भाई तुम तो अंडे देने लग गई यहाँ यहाँ हो आ जा आ जा स्लाइम के बगल में रखते हैं मुर्गी को आ जा मुर्गी तेरे बगल में एक बहुत ही आवाज़ करने वाली चिपचिपी सी चीज़ है ठीक है तो टेंशन मत ले लेकिन तो इसको हम लोग कहेंगे मुर्गी ठीक है देरवी गो और इसको हम लोग अंडा फेंक देते हैं इसका और फटाफट से नाम दे देते हैं मुर्गी का देरवी अरे आ जाए यार मुर्गी मेरी मुर्गी शान या मुर्गी सान। चलो ठीक है अब फटाफट फड़ से इसको तोड़ के तुम्हारे लिए घास लगा देते हैं मस्त करके घास खाना ठीक है चलो तो गाई यार फाइनली मुर्गी का भी एरिया बना दिया मैंने इसका एक एशिया वुड से कर रखा है और बाकी वो देखो जिस पर वो खड़ी हुई है मैंने क्या किया ना मैंने कंपोस्टर में लाइक सीड वीड मार दी ढेर सारे तो वो एंड बिल्कुल छूते ही बोन मिल निकलता है एक निकल भी गया था गलती से चलो छोड़ो लेकिन छूते ही वो बोन मिल निकलता था उस पर रोक दिया था ऐसा लग रहा है जैसे सीड गिरे हुए समझ रहे हो तो उसके खाने पीने का वहाँ पर इंतजाम कर रखा है और बाकी ये पूरा का पूरा इसका एरिया है मेरे को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा तो मैंने चारों तरफ एक एक बोन मिल मार दी और इसमें देख रहा हूँ घास मेरे को इसको पकड़ने का इतना मन कर रहा है ना लेकिन सॉरी यार मैं मारना नहीं चाहता था भाई ये उक तो कित तो कूल लग रहा है देखो भाई ये मेरी बैट के हुए दोनों साइड पे बैटमैन लगे बैट लटके हुए बैटमैन लटके हुए <laughs> चलो अभी देखते हैं अगला लेके आते हैं मैं ट्राई करूंगा जॉम उठाने का कैसे ना कैसे करके और नहीं तो जॉम नहीं तो फिर हम लोग वो उठा लेंगे क्या कहते तो उसे स्केलेटन या कुछ तो लेके आए ओ रुको मैंने चेक नहीं करा ना रुक जाओ क्या पता भाई अपनी किस्मत कभी कभार अच्छी भी चलती है ध्यान से सुनेंगे कुछ आया नहीं यार हाँ ओए यहीं पर केव आएगी इस मेरे को स्केलेटन्स की आवाज आ रही चलने की व्हाट <laughs> जिसे ढूंढा गली गली वो तो बगल में ही मिली आ जाओ भाई ओके okay, मेरे को लेकिन अरे यार मेरा एनविल की टूट गया और मेरे को इसको ठीक है अभी के लिए मैं इसको जोम्बी नाम देने के लिए भी तैयार हूँ बस ये वाला इसके लिए खोल देते हैं ये वाले में स्केलेटन भर देंगे आजा बेटे आजा आजा डर गया क्या डर गया क्या अरे आना अंदर आके दिखा ना मान जाऊंगा तुझे आ जा अंदर आके दिखा अरे 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 बेटे डर गया क्या डर गया क्या डर गया डर गया देखो देखो सब लोग देखो स्केलेटन डर गया डर गया मार साले अंदर पे चल अंदर चल अंदर अंदर चल अंदर चल यस बेटे आप कूदते रहियो बंद हो गया बेटे मार मार के डालना पड़ा भाई इसको बट ठीक है चले गया अभी के लिए मैं इसको रुको जरा मेरे को पता है एनविल बनाने में कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो मैं अभी के लिए इसको जॉम्बी का नेम टैग दे रहा हूँ देख क्या गंदा आदमी है भाई तू तो गाइज यार फाइनली मेरे को कुछ दिखा है जो कि हमारे घर के नीचे आए जस्ट बिल्ली रानी रुको जरा फटाफट से ये लेके आते हैं भाई क्योंकि ये ना मानती नहीं है ठीक है तो हम लोगों को इसको बहुत एकदम जरा वो यस फंस गई अरे वेड़े अब कहा बिल्ली रानी आ जाओ आओ बिल्ली रानी आओ आओ बिल्ली रानी आ बिल्लू आ बिल्लू बस 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 चलो नीचे अरे बहन चले जाए यार मौसी सॉरी बहन बोल रहा हूँ उसको भी मैं मरना मत मरना मत मरना मत बिल्ली बिल्ली कहाँ गई मैंने नहीं मारी बिल्ली अरे बिल्ली मरी तेज बन रही है अपने आप को बिल्ली मौसी ये मौसी जी होगी घर पे चल चुपचाप जब Okay, चलो बेस्ट भाई मेरे को मेरे को मैं सोच रहा था यार कि नॉर्मल मॉब्स में कोई तो ऐसा मॉब होता है जो पालतू भी होता है और मैं भूल रहा हूँ अभी और मॉब्स हैं बट फिर भी ठीक है तो हम लोग क्या करने वाले ऊ लाइट आगे लेट्स गो चलो फटाफट फड़ से इधर आ जाओ कोने आ जाओ कोने आ जाओ देर वी गो अब फटाफट फड़ से हम लोग बिल्ली का भी ऐसे जाते हैं बिल्ली के उसमें मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इनो कैसे सजा सकते हैं मैं थोड़ा सोच रहा हूँ अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका ना एक छोटा सा कैट हाउस टाइप का बना देते हैं इसको ठीक है ऐसा नहीं कि जैसे इसमें ना कि हम लोगों ने आसमान बनाए हुए वो सब क्या हुआ है इसके लिए एकदम कैट हाउस सा सा बनाएंगे क्यूट सा। तो इसको बंद कर देते हैं फाइनली भाई ये भी हो गया मैंने एक्चुअली क्या करा ना मैंने सोचा यार थोड़ा सा ही तो रॉक आउट चाहिए वो तो ऐसी मिल जाती है मार मार के तो भाई मैं इसके लिए थोड़ा बहुत लाके इसको मैंने पैट बना दिया ताकि प्यार से यहाँ पे बैठ जाए और बाकी थोड़ा बहुत सजा दिया मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसके बाहर से इस वाली लाइन को मैं क्या करूं मेरे को वो ज्यादा

स्पाइडर बोलो स्पाइडर आ गई स्पाइडर किथे चली है के अरे आना भाई पीछे पीछे भाई यार वैसे डर लगता है मेरे को स्पाइडर से आ नहीं रही है अच्छा निकल गई अबे अब तो आ जा भाई बदतमीज आ गई आ गई आ गई थोड़ा सा निकालने की जरूरत थी मेरे को पैंट उतारनी पड़ेगी फटाफट भाई यार एक तो ये हर मॉब से लड़ने से पहले पैंट उतारो भाई आ जाएडे डरिया डर्रिया आजा भाई मेरे को पता नहीं क्यों यार मकड़ी से इतना ज्यादा डर लगता है को लिटरली गेम के अंदर मकड़ी से डर लग रहा है तुम समझ रहे हो मेरी बात बेटी या, या। केला डाला ना डर गया ना अब भाई फटाफट से जाके एनविल बनाना है मैं आयरन लाना ही भूल गया मैं दो बार ऊपर जा चुका हूँ मैं हर बार आयरन लाना भूल जाता हूँ फटाफट से जाके इसको नाम दे देते भाई स्पाइडरनी ठीक है तो ये है हमारी प्यारी प्यारी स्पाइडर नहीं, ओ स्पाइडर नी ये लो आज से तुम्हारा नाम स्पाइडर नी ठीक है दोस्त गाइस मेरे को एक क्रीपर तो मिल चुका है पर यार ये <laughs> यार एक क्रीपर को अगर मैं ये फट गया ना भाई मैं रो दूंगा मैं मजाक नहीं करूँगा क्योंकि अपनी बहुत सारी मेहनत खराब होगी भाई देख रहे हो है देख रहा है तू मुझे सब पता है चंट मत भाई भागो प्लीज यार कैसे रोकू मैं इसको कैसे फटने से कैसे रोकू कैसे रोका जा सकता है इसको क्रीपर को कैसे रोका जा सकता है भाई एक काम करते पहले हम लोग थोड़ा दूर भागते क्रीपर से ठीक है ताकि इसको हम ना दिखे उसके बाद एक बार पहले यहाँ पे एनवेल भाई मेरी बहुत मेहनत खराब होगी अगर बाई चांस क्रीपर फट जाता है तो ठीक है नास पीटा ठीक है भाई इसका नाम क्रीपर नहीं भाई मेरे को क्रीपर से ज्यादा गंदा मॉब कोई नहीं लगता भाई पूरी मेहनत खराब करने वाले मॉबों में से भाई यार ऐसा कैसे कर सकता हूं कि मैं अंदर चले जाऊं वो पीछे पीछे आ जाए और उसके बाद आई हैव एन आइडिया ओके मेरे पास एक आइडिया है बस यारे क्रीपर को मेरे को अपने पीछे पीछे लेके आना पड़ेगा भाई हम लोग अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम ऐसा तो कर सकते ना कि हम लोग इसको ऊपर से नीचे गिरा दे कहीं है ना ये देखो ये सारे के सारे वही तो हैं जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं बेस ये देखो ओके हम लोग कर सकते मे भी ओके आ तो नहीं रहा ना पीछे पीछे भाई अभी आ जाएगा तो अभी तो भाई मेरे को मार ही देगा वो मार के देगा मतलब पूरा फोड़ ही देगा फिर ये देखो ये स्लाइम वाला एरिया इस वाले के अंदर लेके आना है मुझे ठीक है उसे तो मुझे उसको अपने पीछे पीछे ले जाके यहाँ पर गिरा देना नीचे। और उसके बाद मैं फट से बंद कर दूंगा चॉकलेट रखी दद्दा ने हाँ आज आज दद्दा ने तेले चॉकलेट रखी आज चॉकलेट खाएगा है बहुत अच्छा है ना तो चॉकलेट खाएगा आजा चॉकलेट खिलाता तेरकर रुक मिठाई खाएगा आजा हाँ मेरा क्रीपर आ मेरा क्रीपर आजा बेटी आ गया लेट्स गो गाइस हम लोग दो मिनट के लिए सांस रुक गई थी मेरी भगवान की साथ मजाक भी नहीं कर रहा सच्ची में मेरी सांस रुक गई थी मैंने कहा मर गया भाई मैं मैं मर गया मैं तो क्या ही मरूंगा भाई मेरे पास तो नेदर का आर्मर है मैंने कहा फट गया भाई जॉम्बी नाच पीटा जॉम्बी नहीं नाच ये क्रीपर देख रहे हो देखो साले तो हटने को तैयार हो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा आजा, आजा इस बार ही नहीं भाई इस बार इसको पहले देता तो हूं ये ले आ गया ना नेम टाइग गंदा आदमी कहीं का नहीं, नहीं, नहीं फट्टा मत फटा मत अच्छा अच्छा आदमी अच्छा आदमी आदमी तो सारे सुवर कहीं का नो भाई <laughs> मेरे को दो मिनट किल लगा के हो गया काम मैं हुई नहीं मैं नहीं हूं सर मैं हुई नहीं यहां पे नास पीटे कल बू है तेरी वजह से कितना नुकसान हो गया है मेरा पता है तुझे सुनाई दे रहा है तो गाइज अब अपना काम करना है हमने लेके आनी है एक शीप ठीक है अब ये दिक्कत है कि यहाँ पे मैंने आसपास शीपें शीपे देखी नहीं है बहुत टाइम से बहुत ज्यादा ही टाइम हो गया एक्चुअली मैंने पता नहीं कब से शीप्स नहीं देखी है भाई इसमें मैं मजाक नहीं रहा सच्ची में मे भी मेरे कासल के पास हो सकती है बट यहाँ पर भी कोई शीप जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को या मेरे को ना अपना कासल भी अच्छा करना है यार ये कासल ना मतलब अच्छा लगता है मैं मना नहीं कर रहा हूँ ठीक है बहुत ज्यादा प्यारा लगता है बट ना मैंने इसकी स्टेयर जब बनाए ना उसके बाद में कैसे हुआ कि यार सीरियसली ब्रो थोड़ा कासल ना मैंने ब्लैक स्टोन या फिर किसी चीज़ से बनाना चाहिए थोड़ा और कूल लगता तो मे बी मैं फ्यूचर में देखना पूरा कासल हटा के ना कुछ कर दूंगा लेकिन अभी नहीं भाई अभी नहीं अभी वैसे मेरे सर पे बहुत काम है भाई आई शीप दिख जा प्लीज शीप वो मिल गई इट्स को अरे यार रात हो रही है ना गड़बड़ी हो गई यार मैं बेड नहीं लेके आया ना यार अब ये क्रीपर व्रीपर भी आना शुरू हो जाएंगे अरे मैं सोया भी नहीं बहुत टाइम से भाई ये तो सारी दुश्मन आज ही आगे मेरे चल फटाफट आ जाए अरे खाती रहना भाई यार तुम्हें खाने की पड़ी हुई है यहाँ पीछे ऊपर हवा में उड़ता है नहीं दिख रहा इतना बड़ा पर हम लोगों को गाइस कुछ जोम्बिस भी दिखे हैं अगर ये भी मेरे पीछे पीछे घर तक आ गए ना बॉय गॉड कह रहा हूँ मजा आ जाएगा भाई अरे वो देख रहो पीछे चाचा जी भी आ रहे हैं चुपचाप भाई सटका लो चुपचाप जल्दी जल्दी चल आ जाओ वो देखो चलो चलो मुड़ गया भाई मेरे को लगा वो भी पीछे पीछे आ रहा है भाई वो लगा पड़ा था हमारे पीछे वैसे भाई लड़ाई हो गई और मेरी शिप मत मार बहुत दूर से भाई ये तो भाई ऐसा लग रहा है मिशन पे इनको किसी ने बोल रखा है कि इसका काम मत करने देना बस ओ मेरी बकरी फटाफट भाग वो देखो खदबी है ना ऐसी बकरी है गॉड मेरे को ये को मारना पड़ेगा मेरी बकरी इस सालों ने लाता हूँ अब दोबारा से एक और बकरी आ जा बकरी आ सर में क्या यार ये क्या गेम है भाई इसके सर के बीच अरे तू खदवी खा ले तू दो मिनट नहीं रुका जा रहा तेरे से बिना खाए बस खाने की पड़ी हुई खाने की पड़ी हुई है जब से देख हूँ तब से खाए जा रही है खाए जा रही है खदवी बकरी कहीं की ये भाई बकरियां भी एम करती है भाई मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड में आ जा आ, मेरी बकरी बक 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 करती रहती बक 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 हम लोग इसको रख सकते हैं इस वाले में राइट लेकिन यार मैंने यहाँ पे पिंक वूल लगा दिया ना अब इसके बारे में मैं वूल लगाऊंगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन अब करना पड़ेगा कोई बात नहीं मेरे पास आइडिया तो बहुत तगड़ा है भाई बकरी को लेके मैंने जो सोचा मैंने पहले से ही सोच रखा सोचा मैंने बकरी बाद में लाया हूं लेकिन मैंने आइडिया पहले सोच लिया है कि बकरी का क्या आइडिया होगा भाई बहुत तगड़ा आइडिया है बात मेरे पास तुम बस देखो अभी अब मैं इसका पूरा का पूरा बनाना स्टार्ट करता हूँ बस एक बार मैं ऊपर चेक कराता तो भाई ऊपर अगर बाई चांस कुछ भी मॉब आया हो ना जैसे क्रीपर हो गया स्केलेटन हो गया जॉम्बी चाहिए हमें एक नहीं है मेरे ख्याल से रुको पहले लाइट लगाओ आजा मेरे दोस्त आजाद है तू आजा आजा मार मुझे अरे आजा भाई यार आज ही आएगा कल आएगा आजा मेरा दोस्त मेरा दोस्त लेट्स गो हम लोगों का जो फाइनल मॉब था जो कि एकदम खुले में घूमते है ना वो वाले मॉपों में मेरे को एक जोम्बी नहीं मिला था अभी तक का वो जोम्बी भी मिल चुका है हाँ मेरे जोबी अरे जोम्बी से तो डरने की कोई बात ही नहीं शिप मैं भी कर रहा हूँ तेरा भी घर सजाऊंगा मैं तू टेंशन मत ले यार शीप को लग रहा है कि मैं उसे भूल गया हूँ पर ऐसा नहीं है मैं बस एक जॉम्बी लेके आया हूँ यार उसके लिए आ बेटे तुम्हारे जैसे तो दस जॉम्बी एक साथ पेल दूँ मैं मजाक हो रही क्या आ जाओ देर वी गो जॉम्बी देर वी गो ठीक है ये रहा हमारा जाम्बी बस चलो बेटे अब शांति से अंदर रहो बढ़िया घर दिया है तुमको बढ़िया वाला एकदम ठीक है सच के रहो धज के रहो यहाँ हाँ बहुत बढ़िया क्या चढ़ जाओ उस पर नाच जाओ गाइज़ यार एक फाइनल चीज थी जो मेरे को करनी थी लाइक हम लोगों ने काफ़ी सारे वो रख दिए राइट मॉब्स बस एक फाइनल चीज़ करनी थी अरे यार मुझे अंदर जाना पड़ेगा प्लीज भागना मत मेरे दोस्त तैयार भी कहो गाइज हेलो रख रहे हो तो रेयर शीप रखो ना एकदम पिंक शीप देख रहे हो क्या कूल लग रही है लग रही हो ना कूल बकरी लग रही हो ना हाँ देखा मैं कौन कूल लग रहा है मैं देखा बकरी कभी झूठ नहीं बोलती यार तो गाइज यार अपने जो मॉब्स है ना वो तैयार है भाई एक बार देखते हैं भाई मजाक करो ये इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना मेरे को मतलब स्पेशली इतना ज्यादा कूल लग रहा है ना ये देखो एक बार ही भाई क्या ही मस्त लग रहा है ना ही और पता है क्या अभी हम लोगों को लाइक और मॉब्स लाने आज मैं लाइक इतना काफी है क्योंकि पहली बात तो ये ना कि बाहर बहुत तेज आंधी वांधी आ रही है अगर बीच से लाइट कट गई ठीक है कभी कभार मेरा इन्वर्टर नहीं उठा पाता तो अगर लाइट कटी तो मेरी पूरी रिकॉर्डिंग खराब जाएगी तो अभी जस्ट लाइट गई थी और जब दोबारा आएगी और कुछ अगर प्रॉब्लम होती है लाइक आती जाती कुछ है तो प्रॉब्लम होगी और उसके बाद मैं नहीं चाहता कि मेरा जितना काम है ये साढ़े चार पाँच घंटे का ये पूरा का पूरा चले जाए तो अभी के लिए हम लोगों ने जितने ज़्यादा हो सकते थे मॉब्स उतने कर लिए भाई हमें इसमें भी बहुत टाइम लग गया ज़्यादा टाइम मेरे को वैसे इसको बनाने में लग गया एरिया को और फिर ये सब सजाने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है हम लोगों ने आज के लिए देखो कितने मॉब्स जमा कर लिए मैं बताऊँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह हम लोगों ने चौदह मॉब्स जमा कर लिए और उनके अलग अलग लाइक बायोम वाइज ऐसा स्ट्रक्चर वाइज बना दिया है कितना कूल लग रहा है ये देखो यार तुम एक बार पूरा आसमान है सूरज है सब कुछ एकदम खतरनाक है कूल सा लग रहा है नहीं तो ऐसे करके हम लोगों को और भी बहुत सारे मॉब्स लेके आने तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा हार्ड कौन कौन से मॉब्स होने वाले हैं जो तुम्हें लगता है कि लाइक नामुमकिन है ऑलमोस्ट लेके आना एंडर ड्रैगन मत बोल देना बस ठीक है बहुत सहवेज हो जाते हो तुम फिर एंडर ड्रैगन लिख देते हो ठीक है तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में बाकी अगली वीडियो में गारंटीड हम लोग उसको पूरा भर देंगे मतलब जितने मॉब्स हैं ना सारे लेके आएंगे कैसे भी लेके आएंगे कि चाहे भाई बारह तेरह घंटे लगातार खेलना पड़े वैसे इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को जिस हिसाब से फील आ रही है चौदह में ही अगर हम लोगों को चार घंटे लग गए तो फिर तो अभी सिक्सटी से ज़्यादा ही मॉब्स हैं तो वो तो उसमें हमें टाइम लगेगा ही लगेगा बट हाँ भाई गारंटीड अगली वीडियो में हम लोग इसको पूरा का पूरा भर देंगे भाई एकदम खतरनाक तरीके से और थोड़ा ना इसको भी सजाएंगे लेकिन अपना हब जो है जहां पर हम लोग आ रहे हैं इसको भी थोड़ा बहुत सजाएंगे तो गाइज यार ये थी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को मजा आएगा यार मेरा बहुत मन था कि इसको आज हम लोग कंप्लीट कर दे बहुत बहुत ज्यादा टाइम हो गया और उसके ऊपर से बाहर आंधी वांधी तूफान उफान आ रहा है तो भाई बीच से लाइट वाइट जाने का बहुत ज्यादा खतरा है इधर लाइट चल जाती है थोड़े से और फिर अगर रिकॉर्डिंग खराब हो गई तो कल को कोई वीडियो ही नहीं आएगी तो अभी मेरे को एडिट भी करनी है बैठ के ये <laughs> भाई बहुत ज्यादा वीटी हो जाएगी अगर ये वीडियो खराब जाती है तो इसलिए मैं यहां पर रोक रहा हूं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप यू गाइस एंजॉयड अगर मजा आया हो तो लाइक वाला बटन दबाना जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो यार भाई को तीन मिलियन दिखाओ जल्दी जल्दी मेरे दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए बाय बाय